तो कितने लोग कहते हैं कि भैया किस टॉपिक पे वीडियो बनाए, क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितने पैसे लगते हैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने में। तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने में भैया 1 रुपये भी नहीं लगता है, जो मोबाइल है उसी को यूज़ करिए। बार बार बोलता हूँ, 5 साल हो गए इस प्रोफेशन में, लेकिन कभी भी छोड़ा नहीं वीडियो करना। कोई भी टॉपिक आता है मेहनत के साथ। अभी तो ये स्टूडियो भी नहीं है, और अभी मैं जहाँ से वीडियो कर रहा हूँ वो समझ लीजिए मेरा घर भी नहीं है, लेकिन 5 साल हो गए लेकिन मैं कभी भी छोड़ा नहीं। तो टॉपिक कौन सा चूज़ करे, कैसे क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, वो मैंने आपको बताया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको कैसे टॉपिक सेलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्शन करना है टॉपिक का, तो टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जिस भी चीज़ में माहिर हैं, अगर आप कुकिंग में विश्वास रखते हैं तो कुकिंग का चैनल खोलिए, अगर आप सिंगिंग में विश्वास रखते हैं तो सिंगिंग का चैनल खोलिए, अगर आप न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, जैसे कि मेरा एक सपना था न्यूज़ एंकर बनने का, तो न्यूज़ मास कॉम 6 महीने का कोर्स मैंने किया, उसके बाद छोड़ दिया। तो लगा कि जैसे कि खुद का चैनल खुलेंगे और ज़रूरत नहीं होती पढ़ाई की। तो ये भी मैंने साबित किया है मेगा फैक्ट्स पे कि कोई ज़रूरत नहीं होती है, कि मास कॉम करके ही आप एक अच्छे मॉडरेटर बन पाएंगे, एक अच्छे न्यूज़ एंकर बन पाएंगे, रिपोर्टर बन पाएंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। प्रोफेशन शिद्दत के साथ अगर आप काम करेंगे, खुद का चैनल खोल लिया, अच्छे खासे व्यूज़ आए, काफ़ी पैसा भी कमाया यूट्यूब पे, और आज भी चैनल चल रहा है। तो ये जो जानकारी थी कि कैसे वीडियो स्टार्ट करना है, कैसे नहीं, वीडियो स्टार्ट करने के लिए 1 भी रुपये नहीं लगता है, आपके पास जो मोबाइल है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। और रही बात ट्राईपॉड की, तो अभी आपको यकीन नहीं होगा कि सारी चीज़ें कुछ भी है नहीं मेरे पास यहाँ पे अभी, तो मतलब मेरे घर पे हैं सारी चीज़ें, लेकिन इस समय आपको अगर हम दिखाएं तो आप देखिए हम किस चीज़ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये स्पीकर है और इस स्पीकर पे मैंने रख दिया है। तो साधन कोई भी हो सकता है। एक टॉपिक डिसाइड करिए, जिस भी चीज़ में आपको लगता है कि आप अच्छे से कर सकते हैं। टॉपिक ऐसा डिसाइड करिए, कौन सा टॉपिक आपको डिसाइड करना, चलिए हम बताते हैं। टॉपिक ऐसा डिसाइड करिए जिसमें आपको देख करके और स्क्रिप्ट लिख करके बोलने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे YouTube के ज्ञानी जो चैनल मैंने बनाया है, उस पर मुझे कोई भी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी देख करके नहीं बोलता हूँ। 5 साल से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है YouTube पे, वो सारी चीज़ें मैं YouTube के ज्ञानी चैनल पे बताता हूँ, और आपको बहुत आर्टिकुलेटेड वे में बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप कहीं से भी पूछ सकते हैं YouTube में, वो 5 साल का एक्सपीरियंस, मैंने हर एक पॉलिसी YouTube की जानी है, पढ़ी है उस हिसाब से। ऐसा नहीं है कि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगी, एक कॉपीराइट स्ट्राइक 5 साल में सिर्फ एक कॉपीराइट स्ट्राइक लगी है, और जो स्ट्राइक होती है वो तो अनगिनत मुझे लगी है मेरे चैनल पे। तो आप किसी भी चैनल, किसी भी टॉपिक पे वीडियो डिलीवर करिए, आप ये सब छोड़ दीजिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, प्लीज़ लाइक करिए मेरे चैनल को, एक दूसरे को भेज, आप पब्लिक के पास जब वीडियो अच्छा होगा तो वो ज़रूर जाएगा। टाइटल अच्छा से डालिए, वीडियो से रिलेटेड टैग डालिए, क्लिक बेट मत कीजिए। शुरू में अगर आप क्लिक बेट करेंगे तो ऑडियंस आपको पसंद नहीं करेगी, फेक वीडियोज़ कह के आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि और ये भी मत सोचिए कि इस फील्ड में बहुत सारा वीडियो है, हम बनाए तो बनाए क्या। आपको अगर उस फील्ड में जानकारी है तो अपने हिसाब से उस वीडियो को आप डिलीवर करिए। यूट्यूब पे जैसे बहुत से वीडियोज़ हैं, बहुत से वीडियोज़ हैं, लेकिन हर किसी के बताने का तरीका अलग अलग होता है। तो आप अलग अलग तरीक़ों के माध्यम से बताएंगे, आप अपने तो आपका बताने का तरीका अलग होगा। जैसे मनोज दे एक यूट्यूबर है, आप नाम ज़रूर सुने होंगे उनका, और मैंने उनके चैनल को बहुत पहले से फॉलो किया हुआ है। एक गांव का लड़का जिसे बोलने तक नहीं आता था, आज कितने स्मार्टनेस के साथ गेम खेलता है और कितने अच्छे से बोलता है। यूट्यूब के ज्ञानी में भी आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो उन्होंने बताई हैं, जो मैं अपने तरीके से बता सकता हूँ, जो मैं आपको पुरानी चीज़ें नहीं बताऊंगा, घिसी पिटी कैसे टाइटल लगाते हैं, कैसे टैग लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ तो कुछ कुछ ना कुछ तो आपको इस वीडियो से ज़रूर समझ में आया होगा। और एक बात और कि जो पहला वीडियो डाला था अभी तक उस पर एक भी व्यूज़ नहीं है, तो आप ये भी देखिए कि पहले वीडियो पे व्यूज़ नहीं है मेरे इस नए नए चैनल पे, लेकिन मैंने ये वीडियो किसी को भी शेयर नहीं किया है, तभी तो व्यूज़ नहीं है। शेयर किया होता व्हाट्सएप ग्रुप पे तो मेरे 75 ग्रुप हैं, मैंने किया होता तो अभी तक 1000 व्यूज़ तो आ ही गए होते, मैंने नहीं किया। यही चीज़ आपको अवॉइड करनी है, आपको नहीं भेजना है अपने वीडियो को किसी को भी, ऐसे शख्स को जो आपके वीडियो को ना देखे, क्योंकि वो ना देख करके आधा देखेगा और आधा क्लोज कर देगा, क्योंकि उसके मतलब का है ही नहीं वो वीडियो, तो वो आपका ऑडियंस रिटेंशन ख़राब कर देगा और यूट्यूब आपके वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएगा। जेन्युइन लोग तक पहुंच जाएगा आपका वीडियो। थंबनेल आप ऐसा लगाइए जो उससे रिलेटेड लोग होंगे, खोल के देखेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों देखेंगे जरूर,
हर एक चैनल को उठते हुए देखा है मैंने, मैंने अपने चैनल को उठते हुए देखा है। 90,000 सब्सक्राइबर ऐसे ही थोड़ी पहुंचा है, 1,000 हुआ, 2,000, 5, 10, 20, 50, तब जाके आज 90 और एक दिन 1 लाख भी होगा। तो वीडियोस आप करते रहिए और देखते रहिए। यूट्यूब की गानी पहला वीडियो मैंने जो किया था उस पर अभी भी 0 व्यूज है, और फिर भी मैंने बंद नहीं किया, दूसरा वीडियो बनाया और ये शायद तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा, जब भी देखिएगा, साल भर बाद देखिएगा, हम तो बनाते रहेंगे वीडियो, बनाते रहेंगे, 0 व्यूज आए, 0 सब्सक्राइबर आए, अंतिम सांस तक वीडियो बनाएंगे, जब तक चैनल है तब तक, जब तक यूट्यूब है तब तक वीडियो बनाएंगे, और यूट्यूब बंद हुआ तो कोई और साधन पकड़ लेंगे।